श्री राघवी जी, इनका मैं अपनी तरफ से, इस विद्यालय के स्टाफ की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से और इन नन्हे-मुन्ने बच्चों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सारी बातें पवन जी के पिताजी ने बता दी। ये मैडम जो इस स्कूल की मुखिया हैं संतोष जी और राजवीर जी, इनके दोनों बच्चे साथ पढ़ते थे। इनके मन में एक बात आई, ये अच्छी पहल है। एक याददाश्त है, जब ये बोल रहे थे तो मेरे मन में आया, स्टार्टिंग में इनको ये भावुक हो गए थे क्योंकि जिस बच्चे को 21 साल में नौकरी मिली हो और 23 साल बाद यानी 2.25 साल के बाद उसकी चिता, उसकी अर्थी तिरंगे में लपेट के घर आती है, उस माँ बाप का क्या हाल होता है ये वही जान सकता है। लेकिन ये कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। यहाँ एक प्रतिमा बनाने कह रहे हैं, जब भी इस गांव में आएंगे या हम आएंगे या हमारे एसडीएम साहब आएंगे, इनको भी याद आएगी कि एक बच्चा जिसकी कोई ज्यादा उम्र नहीं और इतने खतरों से खेल के देश के लिए कुर्बान हो गया। बड़े सम्मानित हैं ऐसे माँ बाप जो देश के लिए अपने बच्चे को नछावर कर देते हैं। आज भी अभिनंदन करता हूँ उनका, कितना बड़ा अध्याय उनका। आपके लिए एक आरोप उन्होंने कहा और ये कहा, जब तक मेरे तन में सांस है उसकी जो भी जिम्मेवारी है, जो भी खराबी है वो मैं करूंगा। एसडीएम साहब के मना करने के बावजूद भी ये संदेश मुझे उन्होंने दिया। आरोग्य जितना भी काम होगा, कभी खराब हो जाएगा फोन कर देना, वो ठीक कराएगा। उन्हें आज का दिन भले ही मुझे पता है श्री साहब को कितना काम था, श्याम को इनसे बात हुई, मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ कि इन्होंने हमें कीमती समय में से हमारे पास आए। उन्हें फिर उनका आज अभिनंदन और स्वागत। थैंक यू।